में बिठा रहे आप? मैं जो रेडचरी का, हमारे रेडचरी का पापा का नाम है मुंबई चा सेठ, वो हम लास्ट 10 साल से बिठा रहे हैं और 10 साल से इसी तरह से हमने एक पापा तो हमारे वहाँ आज जो आप देख रहे हो यहाँ पे मंदिर में वो पूरा साल पापा यहीं बैठते हैं। अभी हम विसर्जन नहीं करते, अभी हमने पहले बहुत विसर्जन किए पर अब हमने विसर्जन बंद कर दिया है। अब हम पापा को यहीं बिठा के रखते हैं और 10 साल से चालू हुई है। और उसके साथ साथ जैसा बोला कि हमने पापा का मान आपका सम्मान, जिस कैंपेन का सपोर्ट भाव 5 साल से करते आए, ऐसा भाव ने 5 साल इसको सपोर्ट उतना किया है कि आज हिंदुस्तान में बहुत जगह पे इस कैंपेन के वजह से लोगों की सेवा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि और लोग सेवा करें। ऐसे इसमें कोई पैसा ही देना ज़रूरी नहीं है, पैसे से ही सेवा नहीं हो सकती, नहीं होता है, नहीं होता आपको है, सेवा आपके घर पे बहुत छोटा आदमी काम कर रहा है, एज ए फेस्टिवल के सीजन पे आप उसको कुछ गिफ्ट दे दो, उसकी मुंह पे उसकी फैमिली पे जो स्माइल आएगी तो उनका भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हर इंसान अगर एक जन को भी सेवा कर ले हिंदुस्तान में तो हमारा बात बताना चाहते हैं। आप लोगों ने जो बोला ना पॉलिटिक्स की बात, अभी आप देखो मेरे इधर मैंने सीएम साहब को बोल के एक एम्बुलेंस डाल, मेरा कुछ फायदा है नहीं, लोगों का फायदा हो गया ना, 24 घंटा फ्री चल रही है ना। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका कैंसर का, टीबी का बहुत ऐसा चीज है जिसका मैं ऑपरेशन करवाता है, कहीं नहीं होता है तो फिर वो मिनिस्टर को फोन करता है, वो कोई भी वही पार्टी का रहने दे, उसको फोन करता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल है उनको फोन करता है, इधर फोन करके बोल कि इलाज फ्री होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक जन आया था, उसका बेटा 8 साल का था, उसको कैंसर हो गया था, ये कौन सा सांताक्रूज में हॉस्पिटल है वो, नहीं बच्चों का हॉस्पिटल है, सूर्या हॉस्पिटल, सूर्या नर्सिंग होम में वो बच्चे का इलाज चालू था। और उसके बाद उसका बाप आया था मेरे पास कि बहुत महंगा है कुछ तो मदद करो, मैं बोला टेंशन नहीं लेने का, आपका बेटे का जो खर्चा होएगा आप उन करेंगे, बेफिक्र रहो करेंगे। गणपति बप्पा आया जिस दिन, उसके दूसरे दिन वो इंसान सुबह आया मेरे पास वापस गणपति बप्पा के इधर, बोला कि ऑफ हो गया करके, बच्चा ऑफ हो गया। मैं बोला ऐसा कैसा, बोलता नहीं बहुत ये था ऑफ हो गया, घर तो लाया मगर उन लोग ने ना लिख के लिया कि उसका जो पेमेंट बाकी है 4 या 4.5 लाख रुपया वो भरना पड़ेगा। अरे किसी के मौत का, वो 8 साल का बच्चा, उसका भी पैसा ही हॉस्पिटल वाले लेते हैं। मैंने बोला 1 रुपया भरने का नहीं, उनकी जितनी ताकत है कहाँ तक क्या है वो मैं देख लूंगा, आप 1 रुपया भरने का नहीं। आप सोचो फिर ये मेडिकल माफिया कितने भरे है, गरीब कहाँ से लेगा, अरे मरने के बाद भी तुम पैसा मांग रहे, तू है तुम्हारे जिंदगी पे, जाओ ना तुम लोग मीडिया वाले जाके पूछो ना, अरे मरने के बाद भी बच्चे का पैसा ले रहे हैं क्या? हाँ ये होता है यार, बहुत ऐसी चीजें है जो मेरे को झेलना पड़ता है, करना पड़ता है। भाई एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, सॉरी अगर आपको बुरा लगे मना कर दूं। हाँ। सोनू सूद के घर के बाहर कैंसर का इलाज नहीं किया जाता, अभी मना कर देता कैंसर का इलाज नहीं करेगा, मेरे पास भेजो तो लोग तड़पते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिसकी औकात है, आप ये देखो सोनू सूद है, कर रहे ना कुछ ना कुछ तो कर रहे। देखो इंसान ना बहुत कुछ करेगा ना, मगर एक चीज अगर नहीं किया ना तो वो बुरा बन जाता है। बहुत ऐसी चीजें होती है, मेरे साथ भी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं कर पाता हूं तो नहीं कर पाता हूं। जो चीज नहीं होती है कुछ नहीं होती है, तो बहुत ऐसे लोग पड़े। सिर्फ ठेका हर कोई हम लोग ही नहीं लेके रखा है क्या? हाँ जिनको 25-50 रुपए की टिकट निकाल के इतना बड़ा बड़ा बनाया, बंगले मर्सिडीज लेके घूम रहे, उन लोग कर रहे क्या? उन लोग का भी फर्ज है ना। जो लोगों ने उनको आज सुपरस्टार बनाया उनका भी फर्ज बनता है ना। आज देखो ना वो सलमान खान, हाँ उनके डैडी करते हैं ना, कितना सालों से कर रहे हैं बिंग वुमन के नाम पे, सलमान कितना कर रहा है देख रहे ना आप, करता है, करने की नियत होनी चाहिए, समझा, नियत होनी चाहिए, हर चीज होती है, बाकी की किधर है, बाकी किधर है, गिने चुने लोग हैं सर करने वाले। वही तो है ना, वही बोल रहा हूँ मैं, गिने चुने लोग हैं जो करता है उसको ये करो ना कि भाई कर रहा है यार, अरे ये नहीं कर रहा है तो फिर उसके ऊपर उंगली बता दे। मेरे पास कोई भी आवे हर बीमारी की दवा है, हर बीमारी की दवा है, मैं नहीं कर पाता हूँ मैं फोन लगा के देता हूँ, कोई भी आवे मैं आपके मीडिया के थ्रू बोलता हूँ,
कोई भी चीज की तकलीफ हो मेरी जितनी हैसियत है मैं करके दूंगा, मेरे पास आओ मैं करके दूंगा। गणपति बप्पा सर, आप भाव को बहुत सालों से जानते हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। भाव के बारे में, भाव के बारे में शायद बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो पूरा हिंदुस्तान जानते हैं भाव को। और भाव जो है वो सच में आज के दिन में यंगस्टर्स का सिंबल है। अगर भाव की सोच हर हिंदुस्तानी यंगस्टर ने कर ली तो हम दुनिया में राज करेंगे, कोई अमेरिका कोई चाइना हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर भाव जैसी सोच हमने भी रख ली सबने तो बस हिंदुस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ हर एक यंगस्टर्स को कि करना है तो जीना है तो भाव की तरह जियो। आपको क्या लगता है भाव को, लास्ट ईयर मुझे पता है भाव आप 2 साल पहले भी पाकिस्तान से भाव को कितनी धमकी के फोन आए थे, और मेरे ख्याल से पूरे दिन में भाव को 20-25 फोन तो आते ही होंगे धमकी के। अरे मेरे को ना घंटा परखने पड़ता है, मैं क्या बोला, अकेले कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिसके पिछवाड़े में ताकत है ना वो आ जाए। बहुत सही बात है, भाव अकेले जाते हैं, कहीं भी किसी की फौज नहीं है भाव के पास, जो भी है भाव अकेले। तो डरना किसे, डर ही निकाल दो भाव का नाम होता है डर निकल जाता है। तो मैंने तो बहुत सारी चीजें ऐसी अडॉप्ट की है, और भाव के बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मैं तो बोलूंगा हिंदुस्तान के हर यंगस्टर को भी भाव को सोशल मीडिया पे फॉलो करो, कि वहां से अपने को पता चला कि उनकी सोच क्या और वो क्या करना चाहते हैं, और उस कैंपेन में हम सबको जुड़ जाना चाहिए। मैं मीडिया के साथ भी बोलूंगा कि भाव के साथ हमें सलाह क्या लेके जाना है, ये ऊपर लेके जाना है, नहीं ना, नहीं ना, फिर सलाह आज ऊपर वाले ने इतना दिया ना, दो ना बांटो ना। जब किसी को किसी का मदद करते हैं ना, उसके चेहरे पे जो स्माइल आता है ना वो सबसे बड़ा होता है, दुआ बोलते हैं उसको, वो दुआ है ना बहुत काम में आती है, उसको कर्मा बोलते हैं, कर्मा। अब अच्छा करोगे अच्छा लौट के आएगा, समझा, अच्छा करोगे अच्छा लौट के आएगा। आप सबको भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज यहाँ आए हो बप्पा के दरबार में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, खुशी होनी चाहिए क्योंकि अभी अभी तो त्योहार एकदम जोरों में चल रहे, वरना मालूम है ना 2 साल पहले क्या हुआ था। तो बहुत खुशी हो रही है, इसका इंतजार मुझे साल भर में रहता है, क्योंकि मैं भी बाप्पा बिठा था, वो 12 दिन मेरे को जो खुशी होती है ना उनको लाता हूँ मैं, उनकी सेवा करता हूँ, बहुत खुशी होती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं गणेश चतुर्थी, क्या कुछ स्पेशल रहता है आपके लिए? जलवा होता है भाऊ का, शायद आप लोग ना आते नहीं ना, गरीब लोगों के इधर है, उधर नहीं आते आप लोग, अब बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं। थोड़ा गरीब लोगों के इधर आना सीखो ना, पता चलेगा कि भाऊ का जलवा उधर क्या होता है। वो आप इतने सालों से गणपति बैठा रहे हो, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? मेमोरी शेयर करना, मैंने आज से 14 साल पहले बिठाया था नहीं, और किसी ने बिठाया था वहां पे, और वो बिठाने के बाद उन लोग का वो करने को नहीं आया उनको, तो फिर दूसरे साल उन्होंने बोला हम नहीं बिठा सकते, हमारा हैसियत नहीं। और तब मेरा भी टाइम नहीं था, 14 साल पहले इतना नहीं था, तो मैंने बोला यार इतना प्यारा चीज़ आपने बिठाया, आज अभी ये साल तुम बिठाएगा नहीं तो मैं बिठाएगा बोला, कोशिश करूँगा। सच में तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सच बोलूँ मैं मेरा गोल्ड बेचा, मेरा गाड़ी बेचा, ये 8-9 साल तक यही चला, मैं हर चीज़ बेच के ना उनको बिठाया। आज उसने ना जितना दिया था उससे 1000 गुना मेरे को वापस भी दिया, उनको कभी बंद नहीं किया मैं बिठाना, तो वही बाप्पा का कृपा है। सच्चे दिल से आप करोगे ना हाँ तो बहुत कुछ देता है वो, दिखावा करोगे तो कुछ नहीं मिलता है, फिर बाबा जी का घंटा मिलता है, समझा, जो है वो भी लेके जाता है। फिर लास्ट ईयर आपका गाना रिलीज हुआ, इस बार भी गणपति बनाया भाई आपने? नहीं कुछ नहीं बनाया, ये टाइम सिर्फ थोड़ा सा आपको पता रहेगा मेरा एक अनसुनी करके एक रियलिटी शो आ रहा है, बस उसके अभी 50 एपिसोड पूरे हो गए, फिर उसके बाद अभी गणपति के बाद और एक होने वाला है जी, बताऊंगा उस रियलिटी शो में क्या कुछ होने वाला है वो आप बताना चाहेंगे? लोगों की कितनी सुनी है सर, आपने बताया कि जिन लोगों की नहीं सुनी, देश अंदेशा कर अनदेखा कर देता हूं, तो आप उसका न्याय दिला? मैं न्याय दिलाने वाला कौन हूं, हमारे पास न्यायालय बैठे उच्च न्यायालय, वो न्याय देते है, अपना संविधान बहुत बड़ा है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तो हम न्याय देने वाले कुछ नहीं, सिर्फ वही होता है जिनका कोई नहीं सुनता है ना, उसकी आवाज में बाहर तक पहुंचाता हूँ, ये आज नहीं किया, ये अनसुनी के माध्यम से नहीं, इसके पहला भी आपको पता होगा कि मैं कैसा सुनाता है।
रेडचेरी का एक कैंपेन है बप्पा का मान आपका सम्मान जी। रेडचेरी का एक कैंपेन है मुंबई चा शेट का बप्पा का मान आपका सम्मान। तो आपका सम्मान में हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। हाँ। तो उस बारे में तो वो सम्मान आपको करना है ना तो उनका करो। जो मुहर्रम में, जो गणपति बाप्पा में, जो दिवाली में, जो नवरात्रि में, जो एक नाके पे खड़ा रहता ना उसको बोलते पुलिस वाला। जो आपके सेवा में खड़ा रहता है, आपके तेवर अच्छे बने उसके लिए वो खड़ा रहता है। खुद के घर में ना वो बर्थडे रहने दे, गणपति बाप्पा रहने दे, मुहर्रम रहने दे, दिवाली रहने दे, कुछ भी रहने दे, नवरात्रि रहने दे, वो नहीं जाता है, बच्चों के साथ बर्थडे नहीं मनाता है, समझा? तो वो सम्मान ना उनको देना चाहिए। बाबू आप भी घर पे रखे हैं गणपति, कितने दिन का रखते हैं और कब विसर्जन? अबे कैसे रे तुम लोग मन बुद्धि रे, मैं बोला मेरा 12 दिन का, मेरा नव, मेरा मन्नत का राजा बिठा था, मैं घर पे नहीं बिठा था, बाहर बिठा था, मैं मन्नत का राजा है मेरा। आप लोग आओ सब एक बार आंखों से देखो, समझा? मगर आप बड़े बड़े बंगले पे जाएंगे, नाम लू किधर किधर जाते तुम लोग, मैडम के गणपति, भाई के गणपति, इधर गणपति उधर गणपति के लिए, कभी गरीबों के भी गणपति पे जाया करो, दिखाओ। वो भी अपनी मेहनत से ना, मेहनत से लाते हैं और बिठाते हैं, जितनी उनकी हैसियत है ना उतना उन लोग ना करते हैं। उधर भी बताया करो ना, झोपड़पट्टी में पे जाओ, देखो कितने प्यारे प्यारे बिठाए, जाओ ना। मगर तुम्हारे को उधर से थोड़ी टीआरपी मिलेगा, तुम्हारा चैनल कौन देखेगा, नहीं देखेगा, उधर भी जाओ। आपने देखा होगा गए टाइम भी वो पुलिस वालों से लेके सबको जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान करते हो, इसके लिए आना पड़ता है मेरे को, बाकी और किधर देगा मेरे को। हाँ, शो शाइनिंग करने वालों के पास जाता है, नहीं जाता है। भाई आप हमेशा साथ देते हो, हिंदू धर्म को लेकर बहुत बातें, अच्छी अच्छी बातें करते हो, अभी जो सनातन पे हुआ उसके ऊपर आपने FIR करी है, कुछ बताना चाहेंगे? आपको पता नहीं वो स्टालिन का बेटा, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का बेटा, सीएम का बेटा, वो उदय निधि, अभी यहाँ पे बापा बेटा है, नहीं तो मुंह खुलता था मेरा। उसने बोला कि सनातन धर्म ये डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह फैल रहा है, इसको जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है। औकात है क्या? बहुत आए ऐसे पहले भी, सनातन धर्म तो खत्म नहीं कर पाए, वो खत्म हो गए। और ये ना अकेला अकेला अकेला, ये भी कट्टर है, समझा? तो सोचो मेरे जैसे कितने रहेंगे, खत्म करना बहुत दूर की बात है। तुम्हारे को ऐसा करके देगा ना कि तुम लोग दिखाई भी नहीं देगा, समझा? तो उधर से फोन भी बहुत आया मेरे को कि वो ऐसा बोला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। रे तुम्हारी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितना ताकत है ना तुम लोग में, लगाओ एक सीढ़ी ना ऊपर ही चाहे भाऊ, समझा? हाँ बाप है तुम लोग का। बाबू राजनीति से आपने लास्ट इंटरव्यू बोला था कि राजनीति में मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे राजनीति में नहीं जाना है। राजनीति में जाना ही नहीं ना, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, समझा? नेता नहीं बनना है, अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा ना तो ऊपर बैठा हुआ नेता मेरे को बोलेगा कि ये बोलने का नहीं। और आज करोड़ों लोगों की ना जबान है बाबू, उनका ना विश्वास नहीं तोड़ सकता है मैं, तो जिधर हूँ उधर खुश हूँ, राजकारण में जाना नहीं। हालांकि सारे जितने भी नेता है सबसे मेरा कांटेक्ट अच्छा है, सबसे कांटेक्ट है, जितना मेरे को लोगों की भलाई कर सकता है उसके लिए सिर्फ मेरे को एक बटन दबाना पड़ता है, वो नेता को उसको करना पड़ता है काम। फिर योगेश भाई आप क्या कहेंगे? शुभकामनाएं, और कहरू भाई ने और हिंदुस्तानी भाव ने मुझे बुलाया है, बहुत खुशी की बात है। और मैं जो सुबह में उठता हूँ तो पहला नाम गणेश जी का और अम्बे माँ का लेके दिन की शुरुआत करता हूँ, हर मंगलवार को ट्राई करता हूँ मंदिर में जाने की। और मैं रेगुलरली एवरीडे इनके दर्शन के लिए आ रहा हूँ, मेरी ऑफिस बाजू में ही है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने अच्छे अवसर का मैं हिस्सा हूँ। सर के साथ कैसा रिश्ता आपका? मेरे को 4-5 बार इवेंट में मिले और बहुत अच्छी दोस्ती और ब्रदर जैसे है, लेकिन हमारा अभी तक कोई बिजनेस रिलेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्रेम का रिश्ता है। तो रिश्ते बढ़ने के लिए बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेम का रिश्ता है भाई, वो प्यार का रिश्ता होता है। मैं बोला प्यार का रिश्ता है, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं, ओडिंग का नहीं, मैं ओडिंग ओडिंग प्यार का रिश्ता है बोला। देखो जहाँ पे पैसा आया ना वहाँ पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते दिल से होने चाहिए, पैसों से नहीं होने चाहिए। करेक्ट, दिखावा करके मतलब नहीं, ऐसा करो कि जब दोस्त के ऊपर बुरा टाइम आए ना तो उसके दरवाजे पे उसके रिश्तेदारों से पहला तुम खड़ा रहो। यस
उसको रिश्ते बोलते हैं, उसको उसको प्यार बोलते हैं। जैसे कि पता है कि अपने मुंबई से सेट में जो 10 साल से जो गणपति बाप्पा आ रहे हैं, पर इस साल हम ये विसर्जन नहीं करने वाले, दोनों मूर्ति के विसर्जन नहीं करने वाले। उसका एक ही कारण है, जब आप भी आपके घर पे बाप्पा लाते हो, भाऊ आपको भी पता है कि जब विसर्जन करने निकलते हैं तो आँख में से आंसू आ जाते हैं और बहुत दिनों तक हमें नींद नहीं आती। मतलब ऐसा होता है कि अपने परिवार में से कोई एक जन चला जाता है तब कैसा फील होता है, वही फील बापा के साथ है। तो इस बार से हमने सोच लिया है कि हम बापा का कोई विसर्जन नहीं करेंगे, हम पूरा साल बापा को घर पे रखेंगे और उनकी सेवा करने वाले। तो इस साल अभी मैं तो सबको पता है जिनके जिनके घर पे आ रहे, भाऊ आप, मैंने भाऊ कि 5-13-14 साल हो गया मैं विसर्जन जब करने जाता ना बापा का, मेरे आंखों से पानी आता है। वो मैं आपको बताता हूँ भाऊ, जब वो 12 दिन सेवा करता हूँ ना मैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है घर का कोई सदस्य ना चला गया, तो आंख से पानी आ जाता है। और इन्होंने जब बोला ना कि नहीं करूंगा, तो मैं एकदम ऐसा हो गया कि काश काश मुझे भी बापा ऐसा कुछ दे जो मैं उनको रखू। वैसे तो घर पे है ही मेरे, पर मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि बड़ा है, तो वैसा टाइम आएगा तो मैं भी वो कभी ना कभी फैसला लूंगा कि साल भर उनको वैसी सेवा करूंगा जो 12 दिन करता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ भाऊ, जब विसर्जन भाऊ का पापा का विसर्जन होता है, भाऊ रोते है, भाऊ रोते है, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, भाऊ के आंख में आंसू अगर कोई निकाल सकता है तो वो बापा है खाली। और जब विसर्जन अंदर जाता है, भाऊ मुंह फेर लेते हैं, भाऊ से वो सहन ही नहीं होता है। मतलब आप वो भी समझ सकते हो कि वो अंदर से बाहर से जितने कड़क है, अंदर से कितने इमोशनल आदमी ही हो सकता है। मेरे आंसू दो टाइम ही निकलते, सिर्फ दो टाइम ही निकले थे, एक तो माँ के टाइम और दूसरा ये जब जाते तब, बाकी कोई रुला नहीं सकता है भाऊ। अच्छे अच्छे को मैं रुलाता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू गणपति बाप्पा।